हर हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सियाराम। चलिए चर्चा करते हैं 12 राशि वालों के राशिफल की, कैसा रहेगा आज का दिन आपका। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी तिथि आज रात में 8:00 से स्टार्ट हो रही है। ऐसे में आप सभी को चाहिए कि आज रात को 8 बजे के बाद आप भोजन नहीं करें। यदि आप कर भी रहे तो सात्विक भोजन करेंगे। एकादशी की कथा मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए और दूसरों के साथ शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी कथा सुनने मात्र से ही आपको 1000 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो इतना अच्छा सुनहरा मौका क्यों हाथ से जाने देंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रह गोचर की। गुरु सूर्य राहु बुध मेष राशि में है, शुक्र वृषभ राशि में, स्वयं की राशि में, मंगल देव मिथुन में है, चंद्रमा सिंह राशि में है, केतु तुला राशि में है और शनि देव स्वयं की राशि कुंभ राशि में है। ये था आज का ग्रह गोचर। सबसे पहले कर चर्चा करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए दोपहर के बाद से बहुत अच्छा होने वाला है। दोपहर तक थोड़ी सी आपको चिंताएं हैं, स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता लग रही है, पर डोंट वरी, दोपहर के बाद से आपका मन हल्का हो जाएगा और पढ़ाई में और ज्यादा मन लगने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुधार हो रहा है, जीवन साथी का पूर्ण रूप से आप सभी को सहयोग प्राप्त हो रहा है। ससुराल से आज आपको कोई गिफ्ट मिलने के योग बने, ससुराल वाले आज आपसे मिलने भी आ सकते हैं। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा हुआ है, आज परिवार के सदस्यों के साथ चली आ रही मनमुटाव भी दूर हो रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनका पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ के योग बने, परंतु जितने आप अपेक्षा करते उतना आपको लाभ नहीं हो रहा है। व्यवसाय में आज आपको प्रॉफिट के योग हैं, पर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। कैरियर में आपको अच्छा प्रभाव तो मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, परंतु उतनी स्पीड में नहीं मिल रहा जिस स्पीड में आप चाहते थे। आप सभी मेष राशि वालों को चाहिए कि आज नंबर 4 का यूज करें और आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। अब चर्चा करता है वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला है। आज आपको आपके स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ी यहाँ दिखाई दे रही है, माता के स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान बनाए रखें। आज आपके पिताजी से आपको किसी बात पे बहसबाजी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपके घर आपके मित्र मिलने आ रहे हैं, जिनके साथ आप अपना समय अच्छा व्यतीत करने वाले हैं। आज आप अपने मित्रों पर भी खर्चा करने वाले हैं। कैरियर की चर्चा करते हैं। यदि आप जॉब की तलाश में थे बहुत दिन से, तो आपको जॉब मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं। आज आपको किसी के साथ ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि आपके मान प्रतिष्ठा को और आपके सम्मान को ठेस लगे। अपने वाणी पर संयम बनाए रखें। आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए लकी नंबर 3 है और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। अब चर्चा करते हैं आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम फलदायक रहने वाला है। यदि आपका कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, आज वो पूरा हो सकता है। कानूनी मामलों में आज आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए बड़ों की, और साथ ही वहां पर आपको विजय प्राप्त होने के योग बनेंगे। परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे, तो वो समस्या अब आपकी दूर हो रही है। संतान पक्ष से आपको कोई विशेष सूचना मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं। रिश्तों में आज आपके सुधार हो रहा है, जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। व्यवसाय में भी आपको आज धन लाभ के योग बने हुए हैं। कैरियर में यदि आप जॉब के लिए प्रयास करेंगे, तो आपको अच्छी जॉब मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं। आप सभी मिथुन राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन नंबर 7 का यूज करें और आप सभी के लिए लकी कलर है पिंक कलर। करते हैं आप कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज पिता के साथ आपकी किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, साथ ही यदि आप अपने कामों पर ध्यान से फोकस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपको काम में नुकसान होने के योग बने हुए हैं। आपका काम आज डिले भी हो सकता है, यदि आपने आलस और प्रमाद को त्याग नहीं दिया तो। रिलेशनशिप की बात करते हैं, यहाँ आज आपके लिए दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। आज आपके रिश्तों में और मधुरता बढ़ रही है। यदि आप अविवाहित है, तो यहाँ विवाह तय होने के सुंदर योग बने हुए हैं। सरकारी कामों में आज आपको सफलता प्राप्त हो रही है। यदि आप नौकरी की तलाश में थे, तो नौकरी मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आएंगे, अन्यथा यहाँ आपको धन लाभ धन हानि के योग बने हुए हैं।
यात्राएं आज आपको करनी पड़ रही है, यात्राओं में थोड़ा सा सोच समझ करके खर्च करें, साथ ही अपने सामान का और अपना खुद का ध्यान अवश्य रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अभी भी आपको विशेष रूप से ध्यान बनाए रखना है। पार्टनरशिप में आज आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितनी आपकी अपेक्षा है, सोच समझ कर सभी डिसीजन ले। आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए लकी नंबर है 2, लकी कलर है व्हाइट। अब चर्चा करते हैं आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मध्यम बना हुआ है। आज आपको आपके विशेष रूप से हेल्थ का ध्यान रखना है, नशे आदि पदार्थों से आपको दूर रहना है। स्मोकिंग नहीं करेंगे अन्यथा आपको थोड़ी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकती है। परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिल रहा है। घूमने फिरने के प्लान में भी आज आप दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने पहले से कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से आज आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। संतान का सुख भी आपको प्राप्त हो रहा है, संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज की भी प्राप्ति हो रही है। रिलेशनशिप की बात करें तो आज आपके रिश्ते और भी मधुर हो रहे हैं, परंतु रिश्तों में सोच समझ करके चले, अन्यथा आपके वाणी की वजह से, आपके क्रोध की वजह से आज रिश्तों में मनमुटाव भी हो सकता है। धार्मिक यात्राओं पर जाने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। यदि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते तो वहां आपके लिए लाभ की बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते तो आपको आपके पार्टनर की बातों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यहां आप दोनों के बीच में मनमुटाव होने के योग बनते हैं। आप सभी सिंह राशि वालों को चाहिए कि आज नंबर 9 का यूज करें और आप सभी के लिए लकी कलर है पिंक कलर। अब चर्चा करते हैं आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है। आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आज खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। पुराने शत्रु आपको फिर से परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से थोड़ा सा बचाव करें, परंतु विजय आपकी हो रही है। कोर्ट कचहरी के मैटर में यदि कोई केस आपके ऊपर चल रहा है किसी, तो वहां पर आपको विजय प्राप्त हो रही है। परिवार के सदस्यों का आज सहयोग उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। मकान वाहन खरीदने के सुंदर योग बने हुए हैं। यात्राओं में संभल करके यात्रा करें, क्योंकि आज आपके पैसे खोने के और चोरी होने के योग बने हुए हैं। आप सभी कन्या राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 9 का यूज करें और लकी कलर व्हाइट कलर। चर्चा करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। धन आगमन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। आज आपको आपके ऑफिस में भी प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। आपके सहकर्मी और बॉस आपके काम से बहुत ज्यादा खुश है, सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है, परंतु आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना एग्रेशन लेवल कम रखेंगे। बड़े भाई बहनों और मित्रों की सहायता से आपके रुके हुए पुराने सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं। संतान के एजुकेशन को लेकर के और संतान के करियर को लेकर आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आज आप अपने फ्यूचर को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। व्यवसाय में आपको लाभ हो रहा है, परंतु आप जितना चाहते थे उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, इस कारण से आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप सभी तुला राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन आप लकी नंबर 1 का यूज करें और लकी कलर आपके लिए होगा स्काई ब्लू कलर। स्वागत है वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। आज आपके रुके हुए सभी काम बन रहे हैं। आज आप अपने वर्क पे पूरा ध्यान भी दे रहे हैं। आपके सहयोगी वर्क प्लेस पे आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। बॉस आपके काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं, परंतु एक बात याद रखें कि आज थोड़ा सा वाणी का सोच समझ करके प्रयोग करें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, अन्यथा आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। आज आपको आपके जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। यदि आप अनमैरिड हैं तो आज यहाँ आपके रिश्ते तय होने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। शत्रु आपके आपको परेशान कर रहे हैं। यात्राओं में ध्यान रखें, चोट चपेट लगने के योग बने हुए हैं। पुराने रुके हुए सभी काम पूरे हो रहे हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहां से आज आपको गुड न्यूज मिल सकती है। व्यापार में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है आपके। आप जितना ज्यादा कर्म करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होने के योग बने हुए। मकान वाहन खरीदने के बहुत सुंदर योग बने हुए। आप सभी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 2 का प्रयोग करें और आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। चर्चा करते हैं आप धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है।
आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिल रहा है। आज आप बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं। आपका मन धर्म कम पूजा पाठ दान पुण्य में लग रहा है। आज मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। अपने वाणी पर और एग्रेशन पर थोड़ा सा संयम बनाए रखें। छोटे भाई बहनों के साथ अभी भी आपके बीच में मतभेद चले आ रहे हैं, उसे दूर करने का ट्राई करें। आपका पराक्रम आज बढ़ा हुआ है। आज आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है, ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने बड़ों से घर के उनसे सलाह लेकर के फिर कोई डिसीजन लें। विद्यार्थियों के आज का दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। प्रतियोगिताएं पार्टिसिपेट करें तो वहां आपको अच्छे मार्क्स मिलने के योग है। व्यापार में भी आपके बहुत अच्छा लाभ का योग दिखाई दे रहा है। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आज आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। आज आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही अपने बीपी का भी अच्छे से ध्यान रखें। चर्चा करते हैं अब मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है। आज आपको आपकी हेल्थ थोड़ी सी ज्यादा परेशान कर रही है। सर्दी बुखार से आप परेशान हो रहे हैं। साथ ही आज आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का थोड़े से आर्ग्यूमेंट होने के योग भी बने हुए हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह तय हो सकते हैं। रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए सुंदर सुंदर, परंतु आज आपके पुराने शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और किसी से लोन ना लेंगे ना किसी को उधार पैसे देंगे, अन्यथा आपके पैसे यहाँ डूब सकते हैं। आपके कार्य से और आपके विचारों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात वो समझ भी रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है सोसाइटी में। परिवार के सदस्यों में कुछ अनबन चल रही है अभी तक। बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ के योग बने हुए हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। रुके हुए सभी काम बन रहे हैं। यदि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे वो भी मिलने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। दिन आपके लिए मिला जुला है। केवल आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप सभी मकर राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन नंबर एक का यूज करें और आपके लिए लकी कलर है रेड। अब चर्चा करते हैं आप कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। आज आपका स्वास्थ्य उतना आपको सहयोग नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य में पे थोड़ा ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। घूमने फिरने के सुंदर योग बने हुए हैं। अपने ऊपर आप खर्च कर रहे हैं। साथ ही आपको सलाह दी जाती है नशे जैसी चीजों से दूर रहेंगे। आज जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ध्यान रहे कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बढ़े नहीं। आज आपकी वाइफ आपसे नाराज होकर के अपने मायके भी जा सकती है। यहाँ पर ससुराल पक्ष वालों की तरफ से कुछ तकलीफ भी आपको दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत उत्तम है। पढ़ाई में आपका मन लग रहा है। आज आपका धर्म कर्म पूजा पाठ में भी बहुत अच्छे से मन लग रहा है। अगर बात करते हैं हम बिजनेस की तो बिजनेस में यहाँ आपको उतना ज्यादा लाभ नहीं हो रहा। परिश्रम बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। आप सभी कुंभ राशि वालों को चाहिए कि आज लकी नंबर 7 का यूज करें और आपके लिए लकी कलर है पिंक। चर्चा करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए आज आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आज आप अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। आलस और प्रमाद के कारण आप बहुत ज्यादा अपने पढ़ाई को निग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप बड़ों से सलाह जरूर लें और साथ में आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना चाहिए। आप सभी मीन राशि वालों को आज यात्राएं छोटी यात्राएं करने के योग बन रहे हुए, ऐसे में यात्राओं में आपको सावधानी रखनी आवश्यकता है। संध्या समय तक आपको कमर के नीचे दर्द भी महसूस होगा और आज यात्राओं में हानि के योग बने हुए हैं, तो यात्राएं सोच समझ करके संभल करके करेंगे। अपने वाणी का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें, क्योंकि यहाँ आज अपनी वाणी से हो सकता है कि अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ दें, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। छोटे भाई बहनों का साथ मिल रहा है, उनके सहयोग से आपके रुके हुए सभी काम बन रहे हैं। आज मित्रों के साथ सभी बातें शेयर नहीं करें, हो सकता है कुछ लोग आपके बातों का आपके इमोशंस का मिसयूज भी कर सकते हैं। मकान वाहन खरीदने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। व्यवसाय में आपको लाभ के योग बने हुए हैं। नौकरी यदि आप ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से तो वहां पर आपको जॉब मिलने के योग है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। विदेश यात्राओं के लिए भी बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। आप मीन राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 8 और लकी कलर है आपके लिए येलो। चर्चा करते हैं नक्षत्रों के विषय में।
आज पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में चर्चा करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र सातवां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब आप समझ गए बृहस्पति का क्या कार्य होता है। गुरुदेव बृहस्पति हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जिनका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है ऐसे लोगों की वाणी बहुत ही सॉफ्ट होती, कोमल स्वभाव के होते हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, अपने मेमोरी पावर का बहुत अच्छे से यूज करते हैं ये लोग। हर छोटी बड़ी बातों को ध्यान में रखते हैं। इनके ऊपर दैवी कृपा हमेशा बनी रहती है। इन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम से प्रभु कृपा से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। अब इनका स्वभाव बहुत ही सरल होता है। समाज में लोगों के प्रति उदार भी होते हैं। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इन्हें समाज से मान सम्मान आदर भी प्राप्त होता है। और एजुकेशन की बात करें तो पढ़ने लिखने बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं ऐसे विद्यार्थी। पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग अक्सर बड़े बड़े सरकारी पदों पर देखे जाते हैं। यदि किसी का जन्म पुनर्वसु में होता तो ऐसे लोगों के तीन चार चरण होते हैं। पहले के तीन चरण जो है मिथुन राशि में आते हैं और अंतिम चरण जो होता है चौथा चरण वो कर्क राशि में आता है। तो ऐसे में इनके ऊपर बुध ग्रह का, चंद्रमा जी का, चंद्र ग्रह का और साथ में गुरु देव बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव होता है। तीनों ग्रह कितने शुभ है तो आप समझ सकते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र कितना ज्यादा महत्व होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग ज्यादा करके शेयर मार्केट में काम करना पसंद करते हैं और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड स्टडीज भी करते हैं, क्योंकि इनका जो बुद्धि आप देख रहे हैं बुद्ध और गुरु के प्रभाव में होता है और इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय होता है, काफी समझदार होते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में चर्चा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक अवश्य करें, साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ में शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पे और एफबी पे। चलते चलते चर्चा करते हैं आज के गुड लक टिप की। आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन सूर्य देवता की आराधना के लिए समर्पित होता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या फिर आप मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति चाहते हैं, पिता का सहयोग पूर्ण रूप से चाहते हैं जीवन में, तो ऐसे में आपको सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उन्हें एक लोटा अर्घ अवश्य प्रदान करें। ऐसा करने से भाग्योदय होगा आपका।